नमस्कार दोस्तों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं सोनोमीटर का। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर, यानी कि एसी मेंस की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है सोनोमीटर की सहायता से। एक सोनोमीटर है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑफ एसी, यानी कि ये एसी को थोड़ा कम करके देगा हमें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है एसी के लिए। और ये हमारे टर्निंग फोर्क है, और ये हमारा बैलेंस है, जिसकी वजह से हमें इस मास का वेट मेजर करना है, मास निकालना है। हमने इसका मास पहले मेजर कर रखा है और इसका मास आ था 9.10 ग्राम और जो लेंथ आई थी इसकी 150 सेंटीमीटर, जिससे इसका मास पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है। अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वायर की वो लेंथ को मेजर करना है जो हमारी रेजोनेंस कंडीशन में होगी, क्योंकि सोनोमीटर दो शब्दों से मिलकर बना है, सोनो प्लस मीटर। सोनो का मतलब है साउंड और मीटर का मतलब है मेजर, यानी कि साउंड को मेजर करना। तो हम क्या करते हैं, एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब इसमें हम सप्लाई दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो आपकी जो एसी करंट होती है एक सेकेंड के अंदर 100 बार ऑन होती है और 100 बार ही ऑफ होती है। तो ये क्या करेगी, इसको जब ये ऑन पहले पॉजिटिव रिवोल्यूशन में होगी तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, और फिर जब ऑफ होगी तो नीचे छोड़ देगी, यानी कि 100 बार ही मैग्नेटाइज होगा और 100 बार ही ये डीमैग्नेटाइज होगा। तो जब मैग्नेटाइज कंडीशन होगी तो अपनी ऊपर की ओर खींचेगी, जब डीमैग्नेटाइज होगी तो नीचे होगी, इससे उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे। तो जब ये वाइब्रेशन क्रिएट होगी हम उनकी लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे कहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन आ रहा है। तो वाइब्रेशन को हम दो तरीके से, लेंथ को दो तरीके से मेजर करेंगे, एक L1 यानी कि जब हम ब्रिज को दूर नज़दीक से दूर ले जाएंगे और उस कंडीशन को फाइंड आउट कर देंगे, उस कंडीशन में L1 कहेंगे, और फिर हम दूर से इसको नज़दीक लाएंगे उस कंडीशन को L2 कहेंगे, फिर L=L1+L2 उसका मीन निकाल लेंगे, हमारी लेंथ हो जाएगी L। तो इस फॉर्मूले में L की भी और T की और M की वैल्यू फुट अप करके आप क्या निकाल सकते हो, वेरिएंस क्या निकाल सकते हो बच्चों, हम हमारी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो रेडी करें आगे, तो कैसे करना है एक्सपेरिमेंट, हम सप्लाई को ऑन कर देते हैं। अब मैं इनको नज़दीक लाता हूँ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कराता हूँ, मैं इनको नज़दीक से दूर ले जा रहा हूँ। इसको 2-3 सेंटीमीटर ही, 1 सेंटीमीटर के समथिंग ऊपर रखना होता है, इसके ऊपर हम एक राइट रखते हैं। पहले सप्लाई ऑफ किया, वो हो गई, हम इनको दूर ले जाते हैं और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और इन टर्मिनल के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, ये 22 पे है और ये हमारा 76 पर है। तो L1 कैसे मेजर करेंगे, दूर वाली डिस्टेंस है ये हमारी 76 माइनस 22, ये हमारी डिस्टेंस आ गई L1। फिर हम इनको नज़दीक लाते हैं, हम इनको दूर से नज़दीक लाएंगे, एट्टी माइनस ट्वेंटी सिक्स। और जो वेट हमने टांगा है, स्लॉटेड वेट का जो वेट है हमारा वो 500 ग्राम है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जो हमने वेट लगाया है यहाँ पे 500 ग्राम है, हमें वेट को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसलिए हम छोटा करके दिखा रहे हैं आपको। तो आप ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं और इसके बाद इसको माइनस करते हैं 54 आ गई, इसको भी मेजर करते हैं 54 आ गई, इसका मीन निकाल लेते हैं, इजिकल्स टू 54 + 54/2 इजिकल्स टू 54, हमारी जो लेंथ आ गई 54 आ गई। अब हम इन वेट को बढ़ाते हैं, वेट को कैसे बढ़ाते हैं, इसमें 500 ग्राम का वेट और ऐड कर देते हैं, अब वेट 1000 हो गया, और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। पहले इन टर्मिनल को नज़दीक लाते हैं और नज़दीक से दूर लेके जाते हैं,
मेजर करते हैं 24 और 89 89 माइनस 24 ये 5 6। अब हम क्या करेंगे, इनको दूर ले जाएंगे और दूर से फिर नज़दीक लाएंगे। अब की बात 73 माइनस 29, इनको भी माइनस कर लेंगे 4 4, और इनका मीन निकाल लेंगे एल इक्वल टू 65 प्लस 44 अपॉन 2, हमारा मीन आ जाएगा 9 6 10 अपॉन 2, ये हमारा आ जाएगा 54.5 आ जाएगा, 54.5 आ जाएगा। अब हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हो, वेट को बढ़ाते जाते हैं। अब की बार हम 500 का वेट और बढ़ा देते हैं, 500 का वेट और बढ़ा देते हैं और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। पहले इन ग्रिड्स को हम नज़दीक लाते हैं और ग्रिड से दूर ले जाते हैं और फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं कौन सी कंडीशन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमें। जब L1 को नोट कर रहे हैं तो नज़दीक से दूर जाना होता है और हमें L1 नोट कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिल पाती है। ये मैक्सिमम कंडीशन है 1290, L1 की वैल्यू 90 माइनस 12 इज इक्वल टू 78, और अब हम दूर से नज़दीक लाते हैं और फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं, L2 की वैल्यू 89 माइनस 13 ये 77, तो दोनों का मीन निकाल लेते हैं L इज इक्वल टू 78 प्लस 77 अपॉन 2, ये आ जाएगा 77.5। अब दोस्तों तीन रीडिंग हो गई, इस तरीके से रीडिंग को आपको ज़्यादा रीडिंग लेनी होती है तो आगे ले लेते हैं। एक बार हम और वेट बढ़ा सकते हैं, अब एक बार वेट को हम इस तरीके दोस्तों M निकाल लेंगे मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन निकाल लेंगे 500 ग्राम पर मल्टीप्लाई 9.8, T की वैल्यू निकाल लेंगे और L की वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू 54 रख के हम इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों इन फॉर्मूलों में रखकर वैल्यू को ज्ञात कर लिया जाता है। ओके दोस्तों, आपके सामने टेबल है, इसको आप फिल कर सकते हो इसी प्रकार अपने एक्सपेरिमेंट में। अच्छा नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।